पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद हमारे साथ शाहरुख नसीर हैं, ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं सरे बीसी में और यहाँ के लोअर मेनलैंड के जो इनके क्लाइंट्स हैं बल्कि ओवरसीज क्लाइंट्स हैं यूएई के भी उन्हें भी ये डील करते हैं। तो हम आपको वेलकम करते हैं दिल अपना पाकिस्तान में। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन हम ऐसा करते हैं कि मुझे लोग बहुत सारे अप्रोच करते थे और पूछते थे डिफरेंट सवालात के इमिग्रेशन से मुतालिक, स्टूडेंट वीजा से मुतालिक और वर्क वीजा से मुतालिक। तो आज हमें ये मौका मिला है कि हम शाहरुख से बात करें। शाहरुख से ये उससे पहले नाज़रीन इनके थोड़ी सी बैकग्राउंड पूछना चाहते हैं कि मैंने बचपन से तो देख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी इनसे पूछा नहीं था कि शाहरुख आपने अब तक क्या किया है। तो शाहरुख आप बताना चाहेंगे कि आपने अब तक क्या किया है यहाँ वैंकूवर में? जी जरूर। मेरा जो शुरू हुआ था करियर वो हुआ था 2006 में सीआईडीसी के साथ, मैंने क्रेडिट काउंसलिंग शुरू की थी। उसके बाद वहाँ मैंने 4 साल काम किया और उसके बाद फिर मैं वेल्थ मैनेजमेंट में चला गया ब्रांच के थ्रू सीआईडीसी में। कोकेटलम में काम किया, वेल्थ मैनेजमेंट वंस अगेन में काम किया। 2011 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी जाने की, उसके पहले मैं कॉलेज जा रहा था। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली विंडसर में, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में। वहाँ मैंने तकरीबन 1 साल मजीद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और वहाँ मुझे फिर इकोनॉमिक्स की डिग्री ली मैंने वहाँ जाके। उसके बाद जब मैं वापस आया था यहाँ 2013 में, तो मुझे HSBC में अपॉर्चुनिटी मिली एज अ प्रीमियम बैंकर। वहाँ मैंने तकरीबन 1.5 साल सर्व किया मज़ीद। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली दुबई में, और दुबई में मैंने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, एक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी में काम किया, जहां से मेरा इमिग्रेशन का पैशन या इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। जब मैं दुबई में था और जिस वजह से आज हम इस मौजू पे आए हैं इमिग्रेशन पे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ वहाँ जाके कि इमिग्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में, कैनेडा की इमिग्रेशन। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मुझे नजर आई कि फ्रॉड बहुत ज्यादा है इसके अंदर। हाँ, हम इस फ्रॉड पे भी बात करेंगे। आप पहले तो हम ऐसा करते हैं कि नाज़रीन हम शाहरुख से ये पूछेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें लोग आना चाहते हैं, और या फिर गवर्नमेंट की भी आप साथ में बताएंगे कि गवर्नमेंट हर साल इनकी चेंज होती है डिमांड, वर्क फोर्स की डिमांड और इन्वेस्टर्स की डिमांड चेंज होती है, तो वो आप कुछ बताना चाहेंगे? तो कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कनाडा इटसेल्फ जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पॉपुलेशन की ज़रूरत है। ये हर सूबे को बात जो है वो दे नो इट एंड दे आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग बेटर एंड बेटर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स एवरी ईयर सो दे कैन केटर टू दैट। इसी वजह से हमें हर साल नजर आता है कि नए इमिग्रेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होते हैं। जी बिल्कुल। पिछले साल जो हुआ है वो नए प्रोविंसेस, सम प्रोविंसेस हैव इंप्लीमेंटेड न्यू प्रोग्राम्स जिसमें उन्होंने ऑक्यूपेशंस पे फोकस किया। इमिग्रेशन जो है कनाडा की, इट्स फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक, इट्स इकोनॉमिकली ड्रिवन। यहाँ जिस जिस सूबे को जो जो इंडस्ट्री की जरूरत होती है वो कोशिश करती है कि उसी ऑक्यूपेशन से यहाँ बंदा लाए। एग्जाम्पल इसकी है जिस तरह अटलांटिक का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो कि ईस्टर्न कनाडा को कवर करता है। उसमें ट्रक ड्राइवर्स या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपनी लोकल इकोनॉमी पे फोकस करें, बीसी में फोकस करें, तो बीसी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट में इफ नॉट लोएस्ट बट इज वन ऑफ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयड, पीपल आर लिविंग हियर व्हिच मींस वी हैव हाई रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत जरूरत है स्किल्ड वर्क की, स्किल्ड लेबर की। जी जी। और ये एक जेन्युइन नीड है, लोग इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं लेकिन ये एक जेन्युइन नीड है। यहाँ स्टडीज हैं
कि यहाँ बिजनेसेस ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास अमला नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, तो इमिग्रेशन प्रोग्राम जब हम देखते हैं नए आते हुए तो उसकी जो बैकग्राउंड होती है वो ज्यादातर इकोनॉमिक्स होती है, और क्योंकि यहाँ इमिग्रेशन की पॉपुलेशन लाने की जरूरत है, हम मजीद नए प्रोग्राम देख रहे हैं इमिग्रेशन के जो कि आ रहे हैं। तो व्हाट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट मींस ऑफ गेटिंग इमिग्रेशन जो जल्दी हो जाए, और उसके पॉइंट सिस्टम पे भी थोड़ी सी आप बात कर लें कि किस तरह से जो पॉइंट्स भी एक्युमुलेट होते हैं। लेट्स गो टू आवर वन क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सो अगर आप एक स्किल्ड एम्प्लॉई हैं, फॉर एग्जांपल वर्कर हैं आप, जिसको कह लें यहाँ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेशन है कैनेडा में जिसको क्लासिफाई किया जाता है नॉक ए बी और जीरो। अगर आप नॉक बी तक आते हैं, नॉक बी एक पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ऑफिसर की पोजीशन है कोई, एवरी ऑक्यूपेशन हैज टू बी एनालाइज्ड फर्दर टू कम टू दैट नॉक। लेकिन एक जनरल से अगर हम बात की जाए तो एक ऑफिसर तक के जो रोल्स हैं और जिन लोगों ने बैचलर डिग्री की भी है उनके लिए बेस्ट और फास्टेस्ट प्रोग्राम जो एक्सप्रेस एंट्री का फेडरल स्किल्ड वर्कर है। अच्छा, वो कितना तेज और क्यों फास्ट और उसकी क्या एडवांटेज है? उसकी एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो हर 2 से 3 हफ्ते बाद गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ड्रॉ करती है उसका। उसकी एक और एडवांटेज ये है कि उसका जो कट ऑफ स्कोर होता है वो पब्लिक किया जाता है कि ये कट ऑफ स्कोर है, ये बेंचमार्क में हम जा रहे हैं। अभी जो रिसेंट हुआ था उसका 452 था, उससे पहले भी इट वाज अराउंड देयर। पिछले साल जो लोएस्ट था वो 430, इट वाज इन द हाई 430s। ये पॉइंट्स हैं 430 या ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। तो जो सबसे फास्टेस्ट इमिग्रेशन का प्रोग्राम है इट रिमेंस टू बी एक्सप्रेस एंट्री अंडर द फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, बिकॉज़ यू आर वी आर फाइंडिंग दैट एप्लीकेशंस आर गेटिंग कंप्लीटेड, not just processed but completed with arrival in Canada within about 4 to 6 months. Also, those guys don't come with a visa, or they have to get visa from they get permanent residency. So what they get is they get a visa in their country jahan se unhone apply kiya hai. Oh, I see. Aur wo visa ke liye apply karte hain, wo visa ki stamp unke passport mein lagti hai aur fir wo yahan aate hain. Jab wo airport pe aayenge to unhe fir permanent residency ke documents diye jaate hain. Acha, wo aise diye jaate hain? Haan, ye to har jagah isi tarah se hota hai. ठीक है, मैं समझ गया। मैं समझा कि वो विजिट वीजे पे आके यहाँ पे क्या कुछ है ऐसा कि जो लोग विजिट वीजे पे आए और उनकी परमानेंट रेजिडेंसी किस तरह से हो सकती है? जो लोग विजिट वीजे पे यहाँ आते हैं उनको किसी एम्प्लॉयर का या स्टडी परमिट का प्रूफ देना होगा, प्रूफ, और दे हैव टू चेंज देयर परमिट टू दो स्टेट्स। ओके, उसका मकसद ये है कि आप एज अ विजिटर जब आप यहाँ कनाडा में आ रहे हैं तो आपकी इंटेंशन है कि आप विजिट पे आए, ठीक, आपको 6 महीने से ज्यादा लेना अलाउड नहीं है। अगर आप 6 महीने से ज्यादा रहते हैं देन यू आर वायलेटिंग योर विजिटर वीजा'स रेगुलेशंस। तो अगर कोई विजिट पे आया और वो चाहता है कि वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करे तो उसको या तो कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम में देखना चाहिए वो किस तरह आ सकता है बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम में, या अगर उसको एजुकेशन की जरूरत है तो वो स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, और जब वो स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करता है तो वो यहाँ पढ़ने के बाद जो एलिजिबल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो एक अपनी एजुकेशन की बेस पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देते हैं जो कि 2 से 3 साल का होता है। उस बेस पे आप कहीं भी काम कर सकते हैं, और अगर आप सर्टन ऑक्यूपेशंस में काम करें तो दैट कैन लीड टू परमानेंट रेजिडेंसी एज वेल। ओह वेरी गुड, तो 2-3 साल दे विल बी काउंटेड ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस प्लस एज अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा। दे विल बी टेकन इनटू अकाउंट, दे विल रिमेन टेंपरेरी रेजिडेंस, यस, लेकिन जो उनकी एक्सपीरियंस होगा वो उनको पॉइंट्स देके एलिजिबल कर लेगा किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, तो नाज़रीन हम काफी इनसे शाहरुख नसीर से हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। तो देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इनसे सवालों का सिलसिला जारी है। पहले इनसे इनकी जो
प्रैक्टिकल लाइफ है इस पे बात करेंगे, फिर पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो आप बताएं कि कोई न्यू प्रोग्राम जो कनाडा में है इमिग्रेशन के, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि मैंने अभी सुना था कुछ स्मॉल कम्युनिटीज पे के बारे में भी कोई प्रोग्राम आए हैं, कुछ आप इस पे एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल, यहाँ बीसी में इस वक्त एक नया प्रोग्राम एज ऑफ मार्च 14 लॉन्च हुआ है, उसका नाम है बीसी रीजनल पायलट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में गवर्नमेंट और बीसी का फोकस ये है कि जो यहाँ स्मॉल कम्युनिटीज हैं, एसेंशली वैंकूवर आइलैंड की, ओकनागन रीजन की, नॉर्थ रीजन की, जो रूरल कम्युनिटीज हैं या कम्युनिटीज विच हैव अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 75,000, वहाँ मजीद बिजनेस जो है लेके जाया जाए, और उसका जो उन्होंने मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं वो, उसकी मैं आपको जनरल सी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स दे देता हूँ। हाँ, ठीक है। जो एप्लीकेंट है, जो बंदा इसमें इंटरेस्टेड है, उसकी नेटवर्थ कम से कम 3 लाख कैनेडियन डॉलर होनी चाहिए। सही है। उसने जो इन्वेस्ट करना है अमाउंट वो 1 लाख डॉलर होना चाहिए। सही है। और जो एक और रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम में है कि वो जिस बिजनेस में आना चाह रहा है, वो बिजनेस जिस कम्युनिटी में वो आना चाह रहा है, उस कम्युनिटी से उसे एक नॉमिनेशन या सर्टिफिकेशन लेटर चाहिए कि हम लोग जो है ये बिजनेस को लाना चाहते हैं यहाँ। Oh, I see. अच्छा, yes. अच्छा। तो उसमें एक हर कम्युनिटी ने एक लिस्ट बकायदा दी हुई है कि इस ऑक्यूपेशन और इस इंडस्ट्री के लोग रादर हमें चाहिए, और ये इंडस्ट्रियां हमें अपने शहरों में चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो ये लिस्ट और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये वहाँ की म्युनिसिपैलिटी से मिलेगी या कैसे मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो essentially the process is के हम लोग पहले जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उसको असेस करते हैं, जी जी, उसका प्रीवियस ओनरशिप ऑफ बिजनेस या सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस देखा जाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो कनाडा का मकसद है और स्पेसिफिकली ब्रिटिश कोलंबिया का मकसद है, वो एंटरप्रेन्योर्स को लाना है, जी जी, और या तो वो बंदे जो कि अपना बिजनेस रखते हैं या जो सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन में है, अच्छा, जिनको समझ आएगी बिजनेस किस तरह मैनेज करने हैं। और मजीद रिक्वायरमेंट ये है कि 51% जो आपका बिजनेस है वो आपने ओन करना है उस सिटी में जाके, और वो एक नया बिजनेस होना चाहिए, वो ब्रांड न्यू बिजनेस होना चाहिए। तो इसमें आप कौन कौन से बिजनेसेस देख रहे हैं, अगर कोई पूछे और हमारे दिल अपना पाकिस्तान के विचार से लोग पूछना चाहते होंगे कि भाई हाँ हमारे पास 4 लाख डॉलर है, हम माइग्रेट होना चाहते हैं कनाडा में, और कौन से बिजनेसेस हैं जो कि आप कुछ बता सकते हैं, इसकी लिस्ट है? इसकी बकायदा लिस्ट है, और मैंने इसके ऊपर काफी टाइम भी स्पेंड किया है। इसमें तकरीबन 16 इंडस्ट्रीज हैं अभी। 16 इंडस्ट्रीज हैं, और ये इंडस्ट्रीज दे कुड मोस्ट लाइकली दे विल बी एक्सपेंडिंग इन द फ्यूचर। इसमें जो सबसे ज्यादा डिमांड इस वक्त नजर आ रही है, जहाँ तकरीबन 8 से 9 कम्युनिटीज इंटरेस्टेड हैं, और शायद जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं वो इस ऑक्यूपेशन में आते हों, वो है ने प्रोफेशनल एक्टिविटीज चाहिए रिलेटेड टू बिग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, डिजिटल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है इस सूबे की। उसके अलावा आपको नजर आएगा कि यहाँ जो है वो अकोमोडेशन सर्विसेज, जो होटल्स और मोटल्स हैं आपके, वो छोटे शहरों में कम है, उसकी बहुत जरूरत है। जो तीसरा और सबसे ज्यादा शायद that might be relative to our viewers as well, is यहाँ education institutions की at a small level, college institutions की भी बहुत जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा। मजीद अगर हम elaborate करें तो construction में भी जरूरत है, merchandise equipment में, merchant steel framing, क्योंकि ये solar industries हैं तो कहीं ना कहीं किसी की industries बैठ जाती है। लेकिन जो बहुत बड़ी 3 requirement नजर आ रही है वो एक एजुकेशन की है, अकोमोडेशन होटल्स हो गए, और तीसरी जो है जो प्रोफेशनल सर्विसेज है, अकाउंटिंग, लीगल, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, दीज आर ऑन द टॉप 3 लिस्ट। अच्छा, इसमें लीगल का मुझे बताएं, यहाँ पे जो अगर कोई बाहर से लॉयर है वो आगे यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान से, तो वो इसमें आता है? वो हाउ कम उसकी डिग्री किस तरह से वैल्यूएट होगी, किस तरह से उनके डॉक्यूमेंटेशन को वो करेंगे प्रोसेस? लीगल जो है वो डिफिकल्ट होगी, साफ सी बात है, क्योंकि लीगल यहाँ वकील बनने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर एग्जाम्स, एंड इवन इफ यू आर क्वालिफाइड लॉयर फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो वो स्पेसिफिकली बाहर से किसी वकील को यहाँ आना और वो बिजनेस सेटअप करना मुश्किल हो जाएगा, जिसमें वो
मदद ले सकता है वो ये है कि अगर उसके साथ कोई लोकल फर्म पार्टनर करना चाहती है अच्छा, और वो कोई लीगल सर्विसेज उनके थ्रू प्रोवाइड करना चाहती है, इसकी जो ज्यादातर एग्जांपल लीगल की एज अ लॉयर इट्स गोना बी डिफिकल्ट, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, एज अ लॉयर देयर इज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स यू आर गोना नीड टू मेक बिफोर यू कैन इवन सेट अप अ कंपनी इन कनाडा। यस यस, ये मैं पूछना चाह रहा था। हाँ जी, ये लॉयर के लिए मुश्किल है, लेकिन जो अकाउंटिंग फील्ड में, जो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, आईटी की फील्ड कहें, आईटी की फील्ड कहें, आईटी जो है ना, कंटिन्यूइंग ऑन दिस टॉपिक, आईटी की भी बीसी में बहुत जरूरत है, आईटी ऑक्यूपेशन की जनरली, और उसके एक डेजिग्नेटेड प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आगे हम लोग अगले सेमिनार में डिस्कस करें, अगले सेगमेंट में करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कनाडा में इमिग्रेशन की आउटलुक क्या है, किस तरह से जो कनाडा में इसकी ओवरऑल पिक्चर मुझे बताएं कि अगले 5 साल में कैनेडियन गवर्नमेंट को कितनी मैन पावर की जरूरत होगी, उसमें बिजनेस पीपल, जनरल लेबर और स्किल्ड वर्कर की जो है वो जरूरत है, जनरल लेबर की है कि नहीं है, या स्किल्ड लेबर की ज्यादा जरूरत है, इस पर कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, तो अगर हम कैनेडा की इकोनॉमी को एनालाइज करें तो हमें ये नजर आता है कि यहाँ जो डिमांड है ना कनाडा की जनरली वो है लेबर। कनाडा इज एन एजिंग पॉपुलेशन, यहाँ जो लोग हैं अभी बेबी बूमर जो रिटायर हो रहे हैं और जो हो चुके हैं, उसकी वजह से यहाँ लेबर मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है, और ये सिर्फ बीसी में नहीं है, ये अक्रॉस कनाडा है। तो कनाडा को सस्टेन करने के लिए अपनी ग्रोथ को, जो कि यहाँ बैंक ऑफ कनाडा टारगेट रखता है कि हमारी ग्रोथ कम से कम 2% पर ये होनी चाहिए, उसको सस्टेन करने के लिए उनको मजीद पॉपुलेशन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है ये। और इसीलिए हमने देखा था कि जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन के, ऑनरेबल अहमद हुसैन, ही मेड अ पॉलिसी दैट वी विल ब्रिंग 1 मिलियन पीपल ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ओके, तो उस हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अलॉट कर रही है इमिग्रेशन के लिए। सूबों में भी यही हो रहा है, जो प्रोविंसेस है यहाँ के, उनको भी अपने आप को सस्टेन करने के लिए और मजीद ग्रो करने के लिए मजीद पॉपुलेशन की जरूरत है। हर प्रोविंस के अलहदा अलहदा सेक्टर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्बर्टा को देखें तो हमें पता है कि जी वहाँ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, वो वहाँ उन चीज़ों की जरूरत है। अगर हम बीसी पे फोकस करें, लोकल फोकस करें, तो कंस्ट्रक्शन से लेके एजुकेशन से लेके और स्पेशली आईटी और जो कंप्यूटर साइंसेस के शो में है, उनकी यहाँ बहुत जरूरत है और अभी शॉर्टेज भी है। स्किल ट्रेड जो है, आपके प्लम्बर्स हो गए, बेसिकली किसी भी तरह की मैनुअल लेबर है, मैकेनिक हो गए, ऑटो मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर्स हो गए, इनकी भी यहाँ जरूरत है और रहेगी अगले सालों तक। हाँ, बस वो नाज़रीन, ये मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे कनाडा में आने के बाद यकीनन आपको यहाँ पे रीसर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और आपको सिवाय आईटी के, जिसमें आपकी स्किल देख के आपसे काम लिया जाता है, और उसके अलावा तकरीबन हर फील्ड में, हर जगह पे आपको आपको अपग्रेड करना होगा, यहाँ की सर्टिफिकेशन लेनी होगी, और यहाँ के जो कुछ रिक्वायरमेंट है इनिशियल कैनेडियन एक्सपीरियंस की और कैनेडियन एजुकेशन की डिग्रीज की, वो तो बहुत ज़रूरी है, और डिप्लोमास की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, वो भी करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आने के बाद। ये ज़रूर है कि आपको कि कंस्ट्रक्शन में कहीं तो जॉब मिल सकती है, या आप कैब तो चला सकते हैं थोड़े अरसे, लेकिन करियर अगर बनाने हैं आपने यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ की एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आते साथ 1 से 2 महीने के अंदर उस तरह की जॉब मिल जाएगी, इट्स अनलाइकली बट नॉट इम्पॉसिबल, आई वुड ऐड दैट। उसमें आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, जिस तरह इंतखाब साहब ने कहा है कि आपको यहाँ आके सर्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, मजीद अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जब आप एम्प्लॉयर के सामने जाते हैं, वो आपसे
9 और 10 टाइम्स पूछेगा कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्या है। जी बिल्कुल, इसका इंतखाब साहब को भी पता, मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ जो सबसे बड़ी क्वालिटी एम्प्लॉयड देखता है वो लोकल एक्सपीरियंस और लोकल एजुकेशन देखता है। तो इस हवाले से मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को प्रिपेयर करता हूँ कि आप जब यहाँ आ रहे हैं तो आप इसमें वहमो गुमान में ना हो कि आपको जो नौकरी वहाँ है और उस जो लेवल आपका जो स्टेटस जिसे कहते हैं वहाँ है, दुबई में, पाकिस्तान में, जहाँ भी है, वो आपको यहाँ आते साथ मिलेगा। Having said that, यहाँ जो आपको एडवांटेजेस मिलती हैं आके जो कि दुबई में और पाकिस्तान में नहीं है, they far outweigh these and I will elaborate on some of these benefits. एक तो यहाँ एजुकेशन जो है वो 12वीं तक फ्री है। आप जहाँ दुबई में रह रहे हैं या सऊदी अरब में रह रहे हैं या मुल्क से बाहर रह रहे हैं तो आपका जो एक्सपेंस है एजुकेशन का, वही मैंने देखा है कुछ लोगों का इतना है जितनी उनकी इनकम है। बिल्कुल, लाहौर जैसे शहर में, दुबई जैसे शहर में, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट टू बी ट्रू। तो वो आपको गवर्नमेंट यहाँ बहुत अच्छी तालीम हर स्कूल देता है, फ्री देता है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि मैं उस एजुकेशन सिस्टम में पला बड़ा हूँ और उसी के थ्रू मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। यहाँ इस तरह नहीं है कि अगर एक शहर के अंदर स्कूल है तो उसके अंदर फुल अमेनिटीज नहीं है और अगर वो छोटे शहर में तो उसमें अमेनिटीज ज्यादा है या ज्यादा कम है। जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है इवन एट द यूनिवर्सिटी लेवल is very standardized. और उसके अलावा एक तो एजुकेशन का फैक्टर हो गया, हेल्थ का फैक्टर हो गया। हेल्थ जो है, अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी, हेल्थ यहाँ जो भी बंदा यहाँ आता है उसको जो भी उसके हस्पताल के बिल्स है वो मेडिकल कवरेज उसे दी जाती है जैसे ही वो यहाँ आ जाता है और पी आर बन जाता है। कवरेज अक्रॉस कैनेडा आपको दी जाती है। आपको अगर कोई भी किस्म का सीरियस मसला हेल्थ का होता है यहाँ आके तो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा आपको पूरी तौर पर पे करती है। द वन थिंग आई ऐड इज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं देते वो आपको, उसके लिए आप कवरेज करनी पड़ती है, लेकिन जो आपके बिल्स हैं, जो आपके एक्सपेंसिव बिल्स हैं वो आपको, हॉस्पिटल के बिल्स और सारी चीजें, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। नाज़रीन एक और बात के जैसे मिडिल ईस्ट में हमारे जो भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं दुनिया भर के, वो अपने बच्चों को ग्रेड 12 के बाद साथ नहीं रख सकते और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए लोग इमिग्रेशन का सोचते हैं और आना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए कि वो अगर आना चाहते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आप जितने भी पैसे ले आए वहाँ से, नाज़रीन ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, सबको पता भी है लेकिन रीएम्फसाइज कर रहा हूँ कि जितने भी पैसे ले आए उसके बावजूद आपको यहाँ पे आके काम करना पड़ेगा और यहाँ के एक्सपेंस लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है और आपको एक सादा घर भी मेंटेन करने के लिए आपको 1200 डॉलर की घर की मेंटेनेंस की इनकम चाहिए और ये मैं ग्रोसरीज और दूसरी चीज़ों की को शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी आप मद्देनजर रखें और लाइफ इज़ गुड हियर। और ये कि लोग जो इतनी बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कनाडा आना चाहते हैं, तो उनके लिए जराए हैं प्रॉपर तरीके से आने के, बाकायदा इमिग्रेशन लेके आए यहाँ पे और जिस तरह के उन्होंने बाकी ज़िंदगी दूसरे मुल्कों में स्पेंड की है मेहनत करते, वो इसी तरह यहाँ भी होता है। वैंकूवर बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है और यहाँ पर जैसे शाहरुख ने बताया कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है और इस वजह से लोग जो हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है। और इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे याद है ऐसे 20-25 साल पहले एक मेरे दोस्त आए थे CIBC बैंक में जॉब करने के लिए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन टेस्ट हुए उनके और वो यहाँ पे आ गए और वो आते ही उनको जॉब पे लैंड कर गए। ये वो अगर आप इस तरह की जॉब्स आपको मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है और उसके बाद फिर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से वीजा भी मिल जाएगा, लेकिन चांसेस 2-5% है इस तरह की जॉबों के और मेरी नज़र में ये भी एक ऑप्शन है। और ये आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक डिस्कस किया है, इस पर मैं भी करना चाह रहा था। मैंने जिस तरह शुरू में बात की थी कि मैं इस काम में इसलिए एंटर हुआ था क्योंकि मुझे इस काम में मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बहुत नजर आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो क्यों ना एक ब्रेक लें हम, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो नाज़रीन अब मैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस पे मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड पे और डॉक्यूमेंट्स जो आपको इश्यू होते हैं
उन पे बात करते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी अथेंटिसिटी का कैसे पता चलेगा। तो देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। हम ब्रेक से पहले एक बहुत अच्छा टॉपिक शुरू हुआ था, यही कि ये आप बताइए कि लोग जाली एजेंट और जाली डॉक्यूमेंटेशन दे के आपसे पैसे बटोर लेते हैं, उनकी कैसे वो कैसे पता लगेगा, किस तरह से पता लगेगा कि ये लोग ये जाली डॉक्यूमेंट दे दिया है और इट लुक्स ओरिजिनल, लेकिन आप वो उसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे, तो आप जरा बताइएगा। जरूर, इसमें जिस तरह मैं कह रहा था इंट्रोडक्शन में कि मेरा इस काम में आने का मकसद ही यही था कि जो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं उनको जितना मैं मैक्सिमम डिफेंड कर सकूं या इस काम से फ्रॉड से बचा सकूं इसमें ही घुसूं और उस काम में मदद करूं लोगों की अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई ट्रूली मीन इट। मेरी एग्जांपल ये थी कि मैं जब दुबई में था तो मैं DIFC में काम करता था, शायद नाज़रीन जानते हो कहाँ है वो, तो मैं टैक्सी लेके कभी कभार घर जाता था। तो एक दिन जब मैंने टैक्सी ली तो मैं टैक्सी में बैठा, वहाँ खान साहब जो थे वो टैक्सी चला रहे थे, वो बड़े खुश थे उस दिन। मैंने उनसे कहा खान जी खैर है आप बड़े खुश नजर आ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी कनाडा की इमिग्रेशन हो गई है, मैं 6 महीने में जा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद ही जाहिर किया कि मैं कैनेडियन हूँ क्योंकि वहाँ लोग इस तरह मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर 6 महीने के बाद मैं टैक्सी ले रहा था, वही काम से निकल रहा था, तो मुझे टैक्सी मिली, तो टैक्सी में वही जो थे पठान ड्राइवर टैक्सी इत्तेफाक से वही मिले। अब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी आप तो कनाडा जा रहे थे, तो उस बेचारे ने मेरी तरफ जो शक्ल उसकी मुझे अभी तक याद है, उसने मेरी तरफ देख के क्या कहता है सर जी वो बंदा भाग गया। ओह माय गॉडनेस। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने कितने पैसे लिए थे, तो उसने 40,000 दिरहम दिए थे, और मुझे पता है टैक्सी जो दुबई में बंदा चलाता है उसकी तनख्वाह 3,000 है जिसमें से वो बेचारा 2,000 घर भेजता है, तो आप देखें उसकी कम से कम 3 से 4 साल की जमा पूंजी जो थी वो ले गए। तो इस बेस पे उस दिन से फिर मैंने अपना एक पर्पस बनाया था, डिसीजन बनाया था कि कनाडा को लोगों को आने के लिए फ्रॉड से बचाऊं, फ्रॉड से बचाएं। और इसी पे अब हम मजीद बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए जब हमें कोई इमिग्रेशन का प्रपोजल देता है। जी बिल्कुल। तो एक सेइंग कनाडा में आपको पता है ये बड़ी कॉमन है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट प्रोबब्ली इज नॉट ट्रू। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप मुझे $20,000 दे दें और मैं आपको 6 हफ्ते बाद या महीने बाद कनाडा पहुंचा दूंगा, तो आपकी तफ्तीश करना बनती है। हम अपने क्लाइंट्स को ये समझाते हैं कि जहां आपको कोई ऐसा बंदा नजर आए जो आपसे एक तो सबसे पहले सिर्फ कैश मांग रहा है, उसके बाद आपको कोई इनवॉइस नहीं दे रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा, तो वो सस्पिशियस है, उससे आप परहेज करें, उससे बंदे से दूर रहें, क्योंकि मोर देन लाइकली वो आपको किसी सही रास्ते पे नहीं लेके जा रहा, और मोर देन लाइकली इट्स गोइंग टू बी अ नॉन जेन्युइन एप्लीकेशन। और उनके ऑफिस का भी चेक करें, जाली ऑफिस भी बना के बैठ जाते हैं, लेकिन देयर आर मेनी वेज टू चेक देयर ऑथेंटिसिटी। एक तो जो ऑथेंटिसिटी जो आप ऑथेंटिसिटी जो हर बंदे का चेक करना लाजमी है, वो एक तो यह है कि सिर्फ जो ICCRC कंसल्टेंट्स हैं और जो वकील हैं कैनेडा वाइड, उनको सिर्फ ऑथराइजेशन है कैनेडा की गवर्नमेंट की तरफ से इमिग्रेशन के मैटर्स डिस्कस करने की या उन केसेस को हैंडल करने की, और किसी को भी नहीं है। अगर आपको कोई एजेंट रिप्रेजेंट करता है कि मैं ICCRC का, एक ICCRC और लॉयर दोनों बनने के लिए आपको परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा होना जरूरी है, इसके बगैर आप ये बन ही नहीं सकते। और इसकी वजह क्या है कि आप कंसल्टेंट या ICCRC या लॉयर के साथ डील इसलिए करें क्योंकि उनका एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके ऊपर, उनको अपने चेक्स और बैलेंसेस करने होते हैं, और उनको अपने आप को एथिकली स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे हर साल एग्जाम्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, और हमारे ऊपर कंप्लेन भी हो सकती है, और वो सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेड ऑनलाइन है मौजूद, किसी का भी नाम आप मेरा नाम लेके चेक करें आपको नजर आएगा कि ये बंदा रेगुलेटेड कंसल्टेंट है,
जिन वकील के साथ हम काम करें उनका चेक करें तो आपको नजर आएगा कि ये वकील है, इतने सालों से वकील है। और उससे बड़ी बात ये कि आप उस बंदे का एक्सपीरियंस देखें। जी बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन के काम में वो बहुत जरूरी है। मैंने खुद जिस तरह इंतखाब साहब को पता है कि मैं अब जुमराती लॉ कोर्ट के साथ काम कर रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि जिस लॉ कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसका प्रिंसिपल लॉयर जो है उसका 24 साल का इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस होना लाजमी है, रेगुलेशन देखना लाजमी है। जॉब परमिट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरे पास, क्योंकि हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं अप्रूव, अगर उसमें मैं माइनर चेंजेस करके किसी भी बंदे का जो व्यू कर रहा है वो मुझे भेजता है उसका नाम डाल दूं तो उसको नहीं पता लगना कि वो असली है या नकली। ये सिर्फ जो बंदे यहाँ बैठे हैं और जो इस काम की समझ रखते हैं उनको पता है कि वो किस तरह ये चीजें चेक कर सकते हैं। इसमें आपको जितनी ड्यू डिलिजेंस करनी है वो बहुत जरूरी है। मैं इस पर स्ट्रेस नहीं कर सकता क्योंकि रोज हमारे पास फ्रॉड केस आते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंतखाब साहब, जो बहुत आम चल रही है इस वक्त, कि आपको LMIA जो बड़ी कॉमन टर्म है नाज़रीन समझते होंगे, उसका मतलब है लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। यस, जब आप यहाँ आते हैं तो एम्प्लॉयर को वो अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। अब दुबई और दुनिया में और मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान इंडिया में हर जगह इस वक्त ये हो रहा है कि एम्प्लॉयर्स कैनेडा में है, उन्होंने LMIA अप्रूव करा लिया, वो सिर्फ वो LMIA बेच रहे हैं क्लाइंट्स को ओवरसीज। ठीक है, जब वो अप्रूव हो के आने वाला होता है तो वो LMIA जो है वो खींच लेते हैं और कहते हैं कि अब हमें गवर्नमेंट को नोटिफाई करते हैं कि हमें इस एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। होता ये है, ये बंदा जो बंदे ने 20-30-40 हजार डॉलर पदमाजी को पता है कि इसी तरह के रेट चल रहे हैं आजकल उस पर यहाँ आ जाते हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो उनको पता लगता है कि एक तो जॉब जेन्युइन नहीं थी और या तो जॉब रही नहीं है। तो इस तरह के बड़े फ्रॉड स्कीम्स हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं समराइज यही करूंगा कि हमेशा जब भी आपको कोई जॉब ऑफर या परमिट या कोई इमिग्रेशन स्कीम आए तो एक ऑथेंटिक लॉयर जिसका एक्सपीरियंस आपको नजर आए या एक ऑथेंटिक RCIC चेक करें कि वो बंदा ऑथेंटिक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फिर आप आगे प्रोसीड करें। विदाउट दैट यू आर गैम्बलिंग योर मनी, आई कैन नॉट पुट इट इन एनी अदर वर्ड। हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि भाई आप गैम्बल पे ना लगाएं अपनी हार्ड अर्न मनी जो है उसको किसी ऐसे फ्रॉडिये के हाथों में ना दें जो कि वाइट कॉलर भी है और आपको जेन्युइन भी लग रहा है, लेकिन उस वक्त तक पैसे ना दें जब तक आपको वो वीजा ना मिले। वीजा मिलने तक मेरे ख्याल में आप पैसों का, आपका कुछ ये स्ट्रक्चर है इसमें किस तरह से कि कैसे पहले पैसे लेते हैं और एंड पे कितने लेते हैं, क्या होता है? मेरा जो जाती मैंने डेवलप किया स्ट्रक्चर वो मैं हर क्लाइंट को फुली असेस करता हूँ। कनाडा में एक प्रोग्राम नहीं है या 10 प्रोग्राम नहीं है, कनाडा में 60 इमिग्रेशन प्रोग्राम 60। तो हर बंदे का केस बाय केस होता है। अब इंतखाब साहब का बेटा जो है और मेरा जो केस वो बहुत सेपरेट है, इंतखाब भाई साहब का और उनके भाई का केस बिल्कुल डिफरेंट है, हालांकि कहने में भाई हैं लेकिन हर बंदे का केस इंडिविजुअली असेस होता है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमें ये करना होता है कि क्लाइंट को असेस करना होता है कि वो कौन कौन से प्रोग्राम्स में आ सकता है। सही बात है। उसके बाद जब हमें एक पिक्चर नजर आती है तो हम वो शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ कि ये आपके ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में आप आ सकते हैं, और वो ऑप्शंस हम शेयर भी करते हैं क्लाइंट के साथ कि जी इन ऑप्शंस में आप आ सकते हैं, आप यहाँ 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 बैठते हैं, यहाँ जितने भी इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं वो एक बकायदा प्रोसीजर के साथ है। बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे आपको बंदा जो मर्जी कहे, हर चीज का एक प्रोसीजर है, हर चीज का एक प्रोसेस है, वो हम आपकी मदद करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। नाज़रीन, मेरे ख्याल में आज से पहले आपने किसी पाकिस्तानी प्रोग्राम में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन पे नहीं ली होगी, तो ये प्रोग्राम हमारा एक इब्तिदा है इसी तरह के प्रोग्रामों की जिसमें हम लोगों को जो सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, लॉयर्स हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं और दूसरे नोटरी पब्लिक्स हैं या रियल्टर्स हैं, इन सबको हम अपने प्रोग्राम में लाएंगे और उनसे जो वो बातें हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि सरप्राइज होता है समटाइम्स क्लाइंट के लिए और उन्हें मुश्किलात बाद में आती हैं और हम चाहते हैं कि वो उन्हें किसी तरह से एजुकेट किया जाए, और उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप अपॉइंटमेंट सेट करें, उनसे बात करें
जो भी काम करना है और पूरी छानबीन करने के बाद आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और जो भी अगर आप अपने किसी अजीज को बुलाना चाहते हैं कनाडा में और देख लें कि उनके नंबर्स पूरे बन रहे हैं, उनके सारी रिक्वायरमेंट जो कैनेडियन इमिग्रेशन के रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफिल कर रहे हैं, फिर तो आप आगे हाथ बढ़ाएं, नहीं तो अपने ही मुल्क में बेहतर, और जिसका नाम है पाकिस्तान, देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू थैंक यू।